अस्सलामुअलैकुम। तो आज लेट्स कुक विद आफरीन में मैं आपके लिए लाई हूँ एक एकदम सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी जो है इंस्टेंट उत्तपम। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और थोड़ा हरा धनिया चॉप्ड, और यहाँ पर मैंने लिया है टू स्मॉल ग्रीन चिलीज चॉप्ड और थोड़ा सा जिंजर चॉप किया है और थोड़ा सा वाटर और सॉल्ट भी हम ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आपको टाइम नहीं मिलता कि आप ब्रेकफास्ट बना पाओ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको शाम में ही या रात में ही एक दिन पहले बनाकर रख सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये खास मैं वर्किंग मॉम्स के लिए और जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं उनके लिए लाई हूँ ये रेसिपी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे जिंजर एंड ग्रीन चिलीज चॉप्ड, और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और इसमें दही जाएगा और हरा धनिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बलून बीटर से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी देखकर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट करने रख देंगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद फिर से हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर ये थिक हो गया तो फिर से इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर। तो आपको मैं बता देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह से, लाइक हम उत्तपा खाते हैं उस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख देते हो तो क्या है कि सूजी जो है वो पूरा पानी सोक कर लेती है और ये थिक हो जाता है, तो आपको फिर से वाटर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी आप देख के करना, अगर आपका नहीं हुआ है सोप थिकन नहीं हुआ है तो ज़रूरत नहीं है कि ऐड करो, हम देख के करेंगे। जब तक हमारा जो बैटर है वो रेस्ट हो रहा है, मैंने सोचा कि कोकोनट चटनी बता दूँ आपको इन फटाफट। तो यहाँ पर मैंने 1/4 पार्ट ऑफ कोकोनट लिया है, इसको मैंने कूट डाला अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, अराउंड 10-12 लीव्स लिए हैं, और ये है दालिया, जो चने का दालिया आता है, तो ये भी अराउंड 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट थोड़ा सा। ये बहुत ही मस्त बनती है ये चटनी, लाइक यू नो जो इडली वाले आते हैं साइकिल पे, उसकी चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने अपनी मॉम से सीखी थी ये चटनी की रेसिपी। इसमें एक ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। सब चीजें मिक्स कर ली है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके साथ उत्तपा बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इडली के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं और इंजॉय करना ये रेसिपी। आप अगर चटनी बना रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी, सेम इडली वाले भैया जैसी लगी या नहीं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके साथ उत्तपा बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इडली के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं और इंजॉय करना ये रेसिपी। आप अगर चटनी बना रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी, सेम इडली वाले भैया जैसी लगी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक का पैन गरम करने रख दिया है और इसके ऊपर ऐसे ऑनियन पॉप में लगा के थोड़ा सा ऑयल जस्ट ऐसे लगा देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग हेल्दी वे में बना रहे हैं इसको। और जो बैटर है हमारा उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, तो एक स्पून फुल ऑफ बैटर इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजेस चॉप करके रखी है, जैसे कैरेट्स, कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटोज, तो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ओके यहाँ पे जब आप वेजेस डालते हो इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है
और इसको थोड़ा ढाक देना है ताकि आपके वेजेस भी अच्छे से कुक हो जाएं। और जब ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाएगा हम इसे टर्न कर देंगे। तो नीचे से आप देख सकते हैं कि इस ये कुक हो चुका है और ऑयल भी आपने देखा मैंने बहुत कम ऑयल डाला है। अब इसे मैं टर्न कर रही हूँ। टर्न करने के बाद फिर से मैं थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाऊंगी हल्का हल्का। अगर आपका नॉन स्टिक पैन अच्छा है तो आपका उत्तपा बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा और एकदम कम से कम ऑयल में बनेगा। सो उसका ध्यान रखना कि आपका नॉन स्टिक पैन अच्छा हो वरना ऑयल ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है हमारा यम्मी सा उत्तपा और ये चटनी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है AFRWN_Afreen_222। थैंक यू।